तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंग ने मास्टर के रूम में रखे हुए सारे स्क्रॉल्स और बुक्स को पढ़ लिया था और उन्हें अच्छी तरह समझ भी लिया था, जिसे देखकर खुद मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि अभी तक वो खुद भी उनमें से बहुत सारे स्क्रॉल्स और बुक्स को पढ़ नहीं पाए थे। यहाँ तक कि कई को तो उन्होंने कभी तक देखा भी नहीं था। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी उसी सीन के आगे से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो हम देखते हैं कि मास्टर अभी भी बहुत ज्यादा शॉक है और अपने मन में सोच रहे हैं कि ये लड़की ने सभी बुक्स और सभी स्क्रॉल्स को पढ़ लिया, जबकि मैं तो खुद ही हर 10 बुक में से सिर्फ 8 बुक को पढ़ पाता था, बाकी तो मुझे समझ ही नहीं आती थी। अब मास्टर जिंग की तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो बहुत कमाल के हो, लेकिन फिर जिंग उनसे कहता है कि मास्टर आपने मेरी तारीफ कर ली, अब ज्यादा तारीफ मत करिए वरना मुझे नजर लग जाएगी। फिर जिंग मास्टर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मटेरियल है जिससे कि मैं अपनी वेपन रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकूं। तो इस पर मास्टर उसे पूछते हैं कि क्या तुमने इतनी जल्दी उन स्ट्रॉल्स के जरिए वेपन रिफाइनिंग टेक्निक सीख ली। तो फिर जिंग उनसे कहता है कि मास्टर मैंने सीखा तो है, पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे वो अच्छी तरह से आ गई है, मुझे एक बार उसे ट्राई करके देखना होगा कि मैं उसको सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अब मास्टर उसकी बात सुनकर उसे कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसे सीखने में मैंने तुम्हारे पूरा साथ दूंगा, तुम बस मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी चीजों की जरूरत है। फिर जिंग उनसे कहता है कि मास्टर मुझे मेट्रोइड स्टार आयरन और ब्लैक जुआन गोल्ड चाहिए होगा। तो मास्टर उसकी बात सुनकर उसे कहते हैं कि ये तो बड़े रेयर मटेरियल्स हैं, और अगर मैं ही पूरी मॉडर्न वर्ल्ड में भी ढूंढने जाऊं तो भी ये इम्पॉसिबल है कि मुझे ये मटेरियल्स मिल पाएंगे। तो फिर जिंग कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर जुआनू यू फाइन आयरन और ब्राइट नाइट स्क्रेल कॉपर होगा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ये दोनों मेटल्स भी बहुत ज्यादा रेयर हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं इन्हें ढूंढ लूंगा, बस मुझे 3 दिन का समय दे दो। और इतनी सी बात कहते ही मास्टर बड़ी तेजी के साथ सभी मेटल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो अब उनके जाने के बाद जिंग मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पर आराम से सेटल हो गया, पर क्या जुआन सिंह लिंग सेक्ट में यूनी और बाकी सब ठीक होंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस फेरी स्टार को जहाँ जिंग आ रहा था, अब जिंग उस फेरी स्टार को देखकर कहता है कि ये किस तरह का डिवाइन ऑब्जेक्ट है, कहीं ये कोई इमॉर्टल स्पिरिट का हार्ट तो नहीं। तो फिर जिंग उसे टच करके देखता है और कहता है कि इस ऑब्जेक्ट पर तो प्रोटेक्शन बैरियर भी लगा हुआ है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ दूर कुछ डेसिपल्स काम कर रहे थे और फिर उनकी नजर जिंग पर पड़ती है। तो उन दोनों में से एक डेसिपल कहता है कि ये नया लड़का फेरी स्टार के पास क्या कर रहा है, लेकिन तभी जिंग अपनी पूरी पावर से फेरी स्टार के ऊपर अटैक कर देता है और फेरी स्टार का बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उससे जिंग के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटैक बहुत स्ट्रांग था क्योंकि उसकी वजह से वहाँ की सारी जमीनें हिलने लगती थी। अब जिंग मन में सोचता है कि आखिर ये चीज इतनी ताकतवर कैसे है। फिर जिंग डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तो इसके बारे में उसे जानना ही है। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाता है और अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर लाने लगता है, और जब वो पूरी एनर्जी एक पॉइंट पर कंप्रेस हो जाती है तो वो उसे रिलीज करता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचने लगती है। दरअसल ये टेक्निक एक फास्ट कल्टीवेशन की तरह है। अब दूसरी तरफ वो डेसिपल्स अभी भी उसे ही देख रहे थे, तो अब एक डेसिपल हंसता है और कहता है कि कहीं ये लड़का उस फेरी स्टार को ओपन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इस पर दूसरा डेसिपल कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो कोशिश करे तो भी उसे हिला भी पाएगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि उसे ओपन इतने पावरफुल मास्टर नहीं हिला पाए, तो ये तो अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में आया है तो आखिर ये कैसे हिला सकता है। अब हम फिर से जिंग को देखते हैं जो कि पूरी एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पे सभी एनर्जी को फेरी स्टार पर डालता है, और हम देखते हैं कि एक बार फिर जमीन हिलने लगती है और ब्लू ऑरा हर तरफ फैलने लगा है, जिसे देखकर वो सभी डेसिबल से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये इस लड़के के पास इतनी पावर आई कहाँ से। फिर हम फिर से जिंग के पास आते हैं जहाँ पर जिंग उस अटैक के बाद तुरंत ही दूसरा अटैक भी कर देता है, और अब आखिरी उस अटैक को रोकने के लिए फेरी स्टार का वो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सामने आ ही जाता है, और यही फॉर्मेशन उसे इन अटैक से बचा रहा था। लेकिन जिंग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इससे भले ही उस फेरी स्टार को तो कोई डैमेज नहीं पड़ा, पर वो फॉर्मेशन ब्रेक करने में जिंग कामयाब हो ही जाता है। और अब उस फॉर्मेशन के जाने के बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि जिंग को सीधे अपने अंदर खींच लेता है। पर फिर अगले सीन में हम अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब पर अच्छी लग रही थी, और यही बात जिंग वहाँ पहुँच कर सबसे पहले सोचता है कि, लेकिन अब वो ये सोच ही रहा था कि इतने में ही उसे सामने से एक चीज दिखती है जिसके आसपास एक रेड कलर का बैरियर बना हुआ था, और उस बैरियर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसमें से रेड फ्लेम्स भी निकल रहे थे। तो अब जिंग उस चीज के पास जाता है और देखता है कि वो तो एक फेरी है, और ऐसी ही फेरीज हमें जुआन स्लिंग सेक्ट में देखने को मिली थी।
तो अब जिंग खुद से कहता है कि ये फेरी यहाँ पर क्या कर रही है, और देखने में तो ये कई मामूली फेरी जैसी लग रही है। पर अब ये इस पावरफुल स्टार के अंदर है तो ना जाने इसे आजाद करना सही होगा कि नहीं। लेकिन फिर जिंग को उस पर दया आने लगती है और जिंग उसे आजाद करने की उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मगर फिर हम देखते हैं कि वो बैटरी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे जिंग बहुत ज्यादा दूर फेंक जाता है, और वो देखता है कि उसके हाथ को एक डार्क ऑरा ने कवर कर लिया था। लेकिन बांगू ब्लड लाइन के कारण वो उस ऑरे को हटा देता है और सोचता है कि ये बैरियर तो मैजिक पावर से बना हुआ है। अब वो डिसाइड करता है कि क्यों ना उस पर पांगो ब्लड लाइन की पावर को ट्राई करे, क्योंकि शायद उसका पांगो ब्लड उस मैजिक पावर को रोक दे। अब वो एक पावरफुल मैजिक बॉल बनाता है और उस बैरियर पर डालता है, और उसके बाद वो उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक कर ही रहा था कि इतने में तभी एक आवाज आती है जो कि उसे कह रही थी कि बहुत समय के बाद आखिर कोई तो यहाँ पर आ ही गया, मुझे लगा नहीं था कि किसी ह्यूमन को यहाँ आने में इतना समय लगेगा। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना और हमारे पैसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।